हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो डूइंग वेल। सो सुबह के बजे 7:15 मैं उठ गई हूँ और अब मुझे बनानी है राजमा, फिर मुझे करना है ब्रेकफास्ट, फिर मुझे होना है रेडी, फिर मुझे जाना है कैफे ये, और बाहर का वेदर देखते हैं कि बाहर का वेदर कैसे है। आजकल मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। चलो लेट्स गो। पहले सुंदर सूर्य भगवान को शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये आंटी ने सुबह सुबह कपड़े वॉश कर लिए हैं, तो चलिए फटाफट अपने रूम में चलते हैं, अपना काम फिनिश करते हैं। उसके बाद हेलो बू मेरा बीबी बेचारा सा क्यूट सा, इतना क्यूट कौन होता है, इतना क्यूट कौन होता है, फिर इतना भी क्यूट कौन होता है, कौन होता है, कोई भी नहीं होता। सो मैं हो गई रेडी एंड ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और राजमा मैंने बना दिया है, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी लेके नहीं जाती बिकॉज ठंडी हो जाएगी, तो मैं 10 मिनट के लिए दिन को आ जाऊंगी और फिर राजमा राइस साथ में लेके जाऊंगी। और अभी टाइम हो गया 10:20, सो चलते हैं कैफी फटाफट से। दिन के बजने वाले हैं 12। आज मैं आई थी आई थिंक 10:35 में, मुझसे पहले गुल्लू आ गई थी। एक्चुअली मैं आई थिंक 10:20 में घर से चली थी, जैसे नीचे आई फिर आंटी मुझे मिल गए थे ओनर, फिर वो बातें करने लग गए, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता मतलब ऐसे बोलने कि मैं लेट हो रही। फिर आंटी से मैंने 10 मिनट बातें की और आके अभी तो अभी रश होता नहीं है, और सो तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्जी लेने चली जाती हूँ, उसके बाद रश हो जाएगा फिर टाइम नहीं लगेगा। दूध मैं लेके आ गई थी, सो अभी जाती हूँ मैं दूध लेने और गुन्नू वहाँ पे पता नहीं क्या करी। तो मैं आई हूँ अभी रॉ मटेरियल लेने। तो लाइटर से गुन्नू चला नहीं सकती, अब लाई इतनी बड़ी मैच बॉक्स, इतनी बड़ी इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, छोटी लेके आती और उसने बनाया पिज्जा। व्लॉग में आने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना फ्रेंड्स? और ये हमारे न्यू फ्रेंड्स जो हमारे कस्टमर से फ्रेंड्स बन चुके हैं, शैली शिमला से और ये आकांक्षा वो है मंडी से। सो और बताओ, आप बताओ हमारे कैफे के बारे में बताओ कुछ। आपका कैफे बहुत अच्छा है, हमारी फेवरेट प्लेस, फेवरेट स्पॉट बन चुका है। स्पेशली इनकी चाय बहुत अच्छी है, चाय पीने जरूर आओ, जो चाय लवर है यहाँ पे जरूर विजिट करो। और मोर ओवर इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, तो यू लव देयर हॉस्पिटैलिटी पक्का, मतलब जब भी टाइम लगे प्लीज आ जाओ। थैंक यू। दिन के बजे 2:15 मैं घर आ गई हूँ और मैं अभी राइस बनाऊंगी, राजमा मैंने ऑलरेडी बनाई है, फिर लेके आऊंगी लंच गुन्नू के लिए और अपने लिए, और फटाफट से चेंज भी कर लेती हूँ बिकॉज मैंने शर्ट पहना है, रात के टाइम जो है ठंड हो जाती है, तो फिर मैं कुछ मोटा सा पहन लेती हूँ। सो फटाफट आज मैं कोई रेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज कैफे में सिर्फ गुन्नू है, तो चलते हैं फटाफट। टाइम हो रहा है 2:45 और मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया, पहले मैंने सोचा मैं कैफे जाके खाऊंगी, फिर मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खा लेती हूँ, बाकी मैं गुन्नू के साथ खा लूंगी और मैं रेडी होगी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और आई जस्ट लव ब्लैक कलर। और आज ना नहीं आज नहीं कल मैं सोच रही थी कि मेरे पास इतनी पिंक कलर हो गया ना, लास्ट ईयर बर्थडे पे मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना था और इस बर्थडे पे भी, तो अब पिंक नहीं पहनूंगी और ब्लैक तो मेरा फेवरेट है, पिंक भी मुझे अच्छा लगता है, वैसे मुझे सारे कलर अच्छे लगते हैं। मॉम बेकर से ले रही हूँ मैं, शाम के बजने वाले हैं 5 और मैं बना रही चाय, यहाँ पे हो रही है नूडल बॉयल।
गुनू बैठी है बाहर, बाहर कस्टमर भी है। वो कहते हैं ना अपने अपने ही होते हैं, देखो अपने मेरी अपनी फिर इनकी अपनी, मतलब मेरी मेरी रोडू की और फिर वो मेरी इसकी मंडी की। आप लोगों ने देखी थी सुंदर लड़कियां धनिया छानते हुए छानते हुए। संडे वाले दिन जिन जिन को भी सिद्धू खाते, मुझे तो लग रहा है शैली शैली आते पक्का, शैली पक्का आते सबको शैली। गाइस संडे को सबने आना सिद्धू बनाना। गाइस संडे को बन रहे सिद्धू, तो आप सब आना ठीक है। सो हम जा रहे अभी शॉपिंग करने, शैली मैं आकांक्षा, आकांक्षा के लिए शॉपिंग नहीं मेरी रूममेट के लिए शॉपिंग। हेलो हेलो, यहाँ पे आ गए यार, यहाँ पे ये हाल होता है रेडी लेके एमसी वाले, जल्दी रेडी। हमने भी सारी अपने टेबल और चेयर अंदर रख लिए। डस्टबिन भी ले जाते हैं मार्केट में, नहीं ले जाते यार, नहीं ले जाते, ये ऐसे कह रहे हैं नहीं ले जाते भैया मार्केट में। जब एमसी वाले आते हैं इतनी हलचल मच जाती है ना, सारे अपने इतनी ज्यादा रेडियो लेके चले गए वहां पे, आगे तक जाते थे रात देखते थे। सारा उथल पुथल हो जाता दो मिनट में, इन्होंने क्यों रखे तो हमने क्यों नहीं रखा, बंद करें। फिर से एक रेडी आते हुए, ब्राड की सारी रेडियां चली गई। थैंक यू आई लव यू, तूने कहाँ से लाया, तू मिलता ही नहीं है। थैंक यू आई लव यू, ऐसे करते मेरे को ये देख गुन्नू बैठी है बाहर, और मैंने अभी वर्गो का ऑर्डर आया था, वो वर्गो रखे हैं यहाँ पे, सो अभी दो मिनट में रेडी हो जाएंगे फिर मैं दे दूंगी। हेलो गाइस, रात के बज रहे 11:30, और आज आई थिंक जब से हमने कैफे ओपन करा तब से आज पहली बार हमने इतनी जल्दी कैफे क्लोज भी कर दिया इतनी जल्दी में, क्योंकि मार्केट ना आज बिल्कुल अभी मतलब 8-9 बजे तक बहुत सारा रश था, उसके बाद बहुत कम रश था, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने गुनू ने सोचा कि कल सैटरडे कल रश होएगा, तो आज हम जल्दी से जो है कैफे जो है क्लोज कर लेते हैं। सो गुन्नू भी घर चली गया, उसको मैंने ही ड्रॉप करा, और मैं भी घर आ गई हूँ, और क्या था, और कुछ बोला था, और डिनर नहीं करा, कॉफ़ी पी, आज कॉफ़ी ज़्यादा पी ली, तो फिर अभी मैं, अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाती हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई करके। रात के बजते हैं 12:30, मैंने नहा लिया, कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, तो मैंने सोचा कि कल मैंने हेड वॉश करना है, तो हेड वॉश करने से पहले मैं ऑयलिंग कर लूँ, जो कैस्टर ऑयल मैंने लाया था उसमें मैं नारियल का ऑयल भी मिक्स करूँगी और एलोवेरा जेल, तो मैं मसाज कर लेती हूँ आराम से, फिर वॉश करूँगी, क्योंकि मेरे बाल जो है बहुत ख़राब हो गए थे, बट अभी थोड़ा अच्छे होने स्टार्ट कर हो गए हैं, अभी मेरे बाल अच्छे होने स्टार्ट हो गए, और मैं शैम्पू भी बहुत अच्छे वाला यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इसमें कैस्टर ऑयल मिक्स करा है, फिर मैंने इसमें कोकोनट ऑयल, अब मैं इसमें मिक्स करूँगी एलोवेरा जेल, बस हो गया, हट गई हूँ, अब करते हैं। वैसे मैंने ना आई थिंक परसों हेयर वॉश करा था, कल क्या था परसों क्या था मुझे याद नहीं है, बट करा था मैंने, सी
रात के बजने वाले हैं 1:15 एंड मैंने अपनी हेड मसाज कर लिया है, अभी बहुत मजा आ रहा है। अब मैं अपना दूध पीऊंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय।